हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सबको स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एलपी टेक्नीशियन CB2 की एग्ज़ाम के पार्ट बी के बारे में। तो दोस्तों, आपके मन में अभी तक बहुत सारे विद्यार्थी, उनके मन में यही भ्रम है कि 15 मार्क्स वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, 20 मार्क्स वालों का सिलेक्शन हो जाएगा या 25 मार्क्स वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बार मैं आपके जितने भी डाउट है वो इस वीडियो में पूरे करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि रिप्लाई के द्वारा वो आपका डाउट क्लियर किया जा सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पास ही बने इस बेल आइकन बटन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेना। दोस्तों, रेलवे की JEE, NTPC और ग्रुप डी की जो भी नई नई वैकेंसी चल रही है, उनकी संपूर्ण जानकारी या फिर आपके उन भर्ती संबंधी जो भी डाउट होगा, वो सारा डाउट मेरे इस चैनल के द्वारा क्लियर कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, पार्ट बी के मार्क्स की चर्चा करने से पहले मैं इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि आप पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दोस्तों, अभी तक देखा जाए तो 85% चांस तो बताए जा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा और 15% चांस बताए जा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा देखा जाए तो पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होंगे, ये 15% चांस भी 85 चांस की तरह भी कार्य कर सकता है, यानी कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन नहीं भी हो सकता है, ऐसे चांसेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब वो रिजल्ट आएगा तो इसका सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं, नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं होगा तो आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, कहीं अभ्यर्थियों के द्वारा या आपने यूट्यूब चैनल पर देखा होगा कि 26.50 मार्क्स बता रहे हैं, लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। जो आपको एक्चुअल मार्क्स है वो मैं आपको बता दूं, आपको 26.25 मार्क्स अगर आपके 75 में से आ रहे हैं तो दोस्तों आप वो पार्ट भी क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों के अभी जो रॉ मार्क्स 26.25 आ रहे हैं और उनके 26.27 28 इससे ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो वो दोस्तों क्लियर हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचे कि आपके 26.50 से कम है तो आप डिसक्वालीफाइड है। अगर आपके 26.25 से ज़्यादा है तो आप क्वालिफाई है, आप साइको की तैयारी में अभी से लग जाइए। अब बात करते हैं दोस्तों, जिनके 26.25 से कम है और वो नॉर्मलाइजेशन पर अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा, अब बोर्ड के द्वारा ऐसा बोला गया है जैसा कि आपने देखा है। तो दोस्तों, जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर तो क्वालिफाई नेचर के बारे में बताया गया था कि पार्ट बी क्वालिफाई नेचर का है, और अगर नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया था कि अलग अलग बेस पे अगर एग्ज़ाम होता है तो उनका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इन बात का भी कुछ दोस्तों रेलवे ने स्पष्टीकरण नहीं किया, जैसे कोई स्पष्टीकरण होगा सबसे पहले जानकारी मैं दे दूँगा। तो दोस्तों, बात करते हैं, अगर दोस्तों आपके 17 मार्क्स आ रहे हैं या किसी कैंडिडेट के 20 मार्क्स आ रहे हैं या किन्हीं के 25 मार्क्स आ रहे हैं, अपन ये तीन केस लेके बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, कहीं पर इन 17 मार्क्स वालों का नॉर्मलाइजेशन, ये बाद में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होने की प्रक्रिया में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, कहीं ऐसी प्रक्रिया है जिनमें 17 वाले मार्क्स का भी सिलेक्शन हो जाता है और 25 मार्क्स वाले का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ऐसा भी कंडीशन देख सकते हैं। और 20 मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो जाता है, 25 वाले का नहीं हो पाता है, ऐसा कंडीशन हम देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बात कर रहे हैं अगर आपका शिफ्ट बहुत हार्ड है, मतलब कि सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाए आपका, नॉर्मली दोस्तों शिफ्ट के हिसाब से होता है, जो टॉप 5 हज़ार कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स के अनुसार रो मार्क्स में डिवाइड करके जो भी उनकी वो कैलकुलेशन प्रक्रिया है उसके अनुसार उसमें देखा जाता है कि आपका शिफ्ट कितना हार्ड था, कितने आपके मार्क्स बढ़ाने हैं। तो दोस्तों, अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 17 मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। अगर आपके 20+ मार्क्स है तो दोस्तों आपके चांसेस बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, आप उन नॉर्मल होने के बाद पार्ट बी क्लियर कर पाएंगे। तो आप अगर 17 मार्क्स है और कहीं चैनल द्वारा बताया जा रहा है 15 मार्क्स वालों सेलेक्ट हो जाए, तो दोस्तों आप इस भ्रम में ना रहे, ऐसी अफवाह से ही दूर रहें, क्योंकि दोस्तों बहुत कम चांसेस है 17% बढ़ने 17 मार्क्स वालों का पी पार्ट सिलेक्शन होने में। तो दोस्तों, इसमें नॉर्मल बहुत ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत है। अगर रेलवे अगर आपका हार्ड शिफ्ट होगा, सबसे हार्ड हार्ड शिफ्ट होगा और रेलवे चाहता है कि इतने मार्क्स वालों का हो, मतलब इतने मार्क्स बढ़ जाने चाहिए, तो आपका हो सकता है। लेकिन जो 20
मार्क्स है उनका, हार्ड शिफ्ट है तो उनका यहाँ से आराम से हो जाएगा, और अगर 25 शिफ्ट वाला है उनका अगर नॉर्मल भी होगा तो भी उनका हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होगी जहाँ 25 वाले का नहीं होगा, 20 वाले का हो जाएगा। तो 25 वाले का वहाँ नहीं होगा, जहाँ अगर उसका शिफ्ट देखा जाए तो सबसे ईजी शिफ्ट था, उससे ईजी कोई शिफ्ट नहीं था, तो 25 वाले का मार्क्स बढ़ेगा नहीं, उल्टा कई बार कम भी हो जाते हैं। तो दोस्तों यह थी इनमें अलग अलग केस जिनमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपने ग्रुप डी के भी रिजल्ट में देखी होगी, किसी प्रकार से बढ़ सकते हैं घट सकते हैं ऐसा नॉर्मलाइजेशन के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिनके दोस्तों 20+ है वो अभी रेगुलरली घर पर प्रैक्टिस करते रहे साइको के लिए, और दोस्तों 17 मार्क्स वालों का तो वो हार्ड शिफ्ट पर निर्भर करता है कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, फिर आप रेलवे का नॉर्मलाइजेशन जानते हो किस प्रकार से बढ़ेगा घटेगा। तो दोस्तों अगर आप कुछ आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं पार्ट बी में आप एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी सलाह लीजिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, हमसे जुड़े रहिए, पाते रहिए रेलवे की पल पल की अपडेट, जेई की NTPC और डी ग्रुप की सारी अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, बाय।